लाइव शुरू कर लाइव शुरू हो गया हम्म सावधान प्रारंभ करते हैं ओम नमः सिद्धिव्या नमो हरिहंता नमो सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम् नमो वझायाणम् नमो लोहे सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतिमोगणि मङ्गलं कुन्द कुन्दर्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासिनं जैनं जयतुशासिनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्मिकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर हरिनास ज्ञान रूप परमात्म को प्रणे मुकाश प्रणे प्रकाश आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित ये उपदेश नामक ग्रंथ जो कि इक्यावन गाथाओं में निबद्ध है और इक्यावन गाथाओं के माध्यम से जो हमें मुच का मार्ग प्रशस्त कर रहा है उस मुच के मार्ग को उसी ज्ञायक भगवान आत्मा को उस शुद्ध आत्मा को दिखा रहा है ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ इस पर हमारी चर्चा चल रही है पैंतालीस नंबर की गाथा पर चर्चा चल रही है हमारी आचार्य पूज्यपाद स्वामी पिछली सात आठ गाथाओं से स्वात्म सम्मिति की चर्चा कर रहे हैं वह स्वयं संवेदन गम में जो सभी को आवाल को पा, सभी को संवेदन में आ रहा है ऐसा वो आत्मा कैसा है और उस आत्मा के अनुभव की, की दशा कैसी है और उसका आनंद कैसा है उस आत्मा का अनुभव होने पर जीव की दशा कैसी हो जाती है जीव क्या विचार करता है उसकी क्या कंडीशन होती है उन सब की बात यहाँ आचार्य पूज्य पाश्यामी कर रहे हैं कैसे उपलब्धि करता है वो उस आत्म तत्व की उन सब की बात यहां कर रहे हैं देखो पैंतालीस नंबर की गाथा पढ़ते हैं हम पर है पर सुखम अतए महात्मा नस्त निमित्त कर तो, तो धमा पर तो पर है दुखद है आते सुख में आप योगी करते हैं अत निज उपलब्धि अमा इसीलिए महात्माओं ने उसके लिए उद्यम किया है उस शुद्धात्मा के अनुभव के लिए उस शुद्धात्मा के आनंद के लिए ही उद्यम किया है पर के लिए उद्यम किया ही नहीं है पर के लिए उद्धम नहीं किया है विचार करके देखें कि कोई पशु सिंह ने अपने मुख में लिया हुआ है सिंह किसी पशु को पकड़ लिया उसने और भक्षण करने जा रहा है उसका वो सिंह के मुंह में है और वो पशु वहां से निकलने की चिंता तो करता नहीं है और खेल रहा है वहां पर मस्ती कर रहा है वहां पर तो क्या कहोगे आप ऐसे पशु के बारे में क्या कहेंगे बताइए क्या है पशु सही कह रहा है कि अरे क्या कहेंगे आप पशु के बारे में बताएं आप कि हम ये कहेंगे ना कि पशु को उपाय तो करना चाहिए बचने का तो हम भी काल रूपी सिंह के मुख में पड़े हुए हैं और काल रूपी सिंह के मुख में पड़े होने पर भी भोगों को भोगने की मस्ती कर रहे हैं खेल रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन शुद्ध नहीं है हम पशु की तरह हैं ये एग्जाम्पल आत्मानुशासन में गुणवत्ताचार्य देव ने दिया है कि विचार करके देखें हमारी क्या दशा है उस पशु की कितनी दयनीय दशा है कि जो बचने का उपाय भी नहीं कर रहा है वैसी हमारी भी कितनी दयनीय दशा है कि संसार रूपी समुद्र से बचने का उपाय भी नहीं कर रहे हैं काल रूपी सिंह तैयार बैठा है अपने मुंह में लेकर भक्षण करने को लेकिन फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं फिर भी हम नहीं चेत रहे हैं फिर भी हमको लग रहा है कि नहीं कुछ तो यहाँ से मिली जाएगा कुछ तो यहाँ से ले लेंगे कुछ तो यहाँ होगा ही कुछ तो यहाँ से मिलेगा ही क्या मिलेगा विचार करके देखो अभी आचार्य पूजा पाद पीछे बात करके आए हैं कि अरे जिन भोगों को तुम भोगना चाहते हो जिन भोगों से तुम सुखी होना चाहते हो उन भोगों को तो तुमने बार भोगा है पीछे कह के आए हैं आचार्य पूजा पाद बात करके आए हैं कोई नवीन भोग तो नहीं है मैं किस में सुखी होना चाहते हैं हम हमने सुख का आधार किसको माना हुआ है यहां कह रहे हैं सुख का आधार तो एकमात्र अपना चैतन्य मात्र सत्ता प्रभु गायक भगवान आत्मा ही है उसके अलावा कुछ भी सुख का आधार नहीं है लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है हमको तो अभी भी हमको लग रहा है कि नहीं सुख तो मिलेगा पुण्य के उदय में सुख मिलता है पाप के उदय में नहीं मिलता है तो पुण्य का उदय तो चाहिए हमको पाप का उदय चाहे नहीं हो लेकिन पुण्य का उदय तो चाहिए विचार करके देखें हम सुख सुखरूप मानना हमने पर को सुखरूप माना ये हमारी अनंतानुबंधी कसाय का, का परिचायक है हम अनंतानुबंधी कह रहे हैं हमने गेयो में सुख माना हम गेयो में आनंद मान रहे हैं हम आनंदित हो रहे हैं कहाँ से गेहों से अच्छा ये वाला अच्छा है ये वाला अच्छा, अच्छा नहीं है ये वाला गे अच्छा है गेहों से आनंद मानना पर से सुख मानना ये इसका नाम है नंतानुबंधी कह रहे हैं पर तो पर दुख रूप है एक आत्माई सुख रूप है ये मान्यता तुम्हारा अनंतानुबंधी का अभाव कर देगी अनंतानुबंधी <स्थिति> का अभाव करना नहीं पड़ेगा ये अनंतानुबंधी का अभाव कर देगी और गेयो में सुख की मान्यता अनंतानुबंधी का नाश नहीं करेगी विचार करके देखे इस गाथा में आचार्य पूज्य पाद स्वामी जिस अनंतानुबंधी से हम डरते हैं जो अनंतानुबंधी हमको लगती है कि अरे ये सबसे भयानक कौन सी कसा है कि अनंतानुबंधी सबसे भयानक है कि अनंतानुबंधी भयानक नहीं है सबसे कमजोर कसाया का अनंतानुबंधी पता है आपको सबसे कमजोर कसाया है अनंतानुबंधी सबसे कमजोर बात सही नहीं लग रही होगी आपको लग रही है क्या कम सही अरे सबसे कमजोर कसा है सबसे पहली चली जाती है बाकी कसा इतनी ढीठ जाती नहीं है ये सबसे पहले चली जाती है अरे अपनी स्वरूप की सत्ता मात्र अवलोकन करने मात्र से चली जाती है अपनी ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव होने मात्र से चली जाती है इससे इससे कमजोर क्या होगा और हमको लगता है कि नहीं अनंत अनुबंधी तो पत्थर की लकीर की तरह है पत्थर की रेखा के समान है कन्या पढ़ के आए हैं हम कन्या पढ़ लिया है हमने पत्थर की रेखा की समान है तो हमको लगता है अरे पत्थर की रेखा तो मिट नहीं सकती हमें तो यही बड़ी लगती है ये चली चाहिए हाँ सबसे अरे सबसे कमजोर कसाय का नाम अनंतानुबंधी है लेकिन सबसे कमजोर लगेगी कब जब ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव होगा जब आत्मा सुख में लगेगा पर को सुख देखो अनंतानुबंदी की एक परिभाषा एक नाटक है मुक्ति का संघर्ष पढ़ा है किसी ने पढ़ा है अच्छा दर, है बहुत मुक्ति का संघर्ष नाटक है उसमें पूरा दिखाया है चेतन किस प्रकार से बंध रहा है किस प्रकार से मुक्त होता है उसमें पूरे उपमा अलंकार का प्रयोग किया है उसमें पूरा उपमा रूपक अलंकार का, का प्रयोग करके पूरा एक नाटक है मुक्ति का संघर्ष तो नाटक बहुत सुंदर है पढ़ना चाहिए आपको उस नाटक में अनंतानुबंदी की डेफिनेशन दी उसमें कहा अनंतानुबंधी किसका नाम है जो अनंत का बंद कराए अनंत का बंद कराने वाली का नाम है अनंतानुबंधी और वहां बताया भी अनंतानुबंधी सबसे कमजोर कमजोर दिखाई है वहां पर अनंतानुबंधी देखो तुरंत टूट गई तुरंत चली गई वहां दिखाई भी है मुक्ति का संघर्ष नाटक है बहुत सुंदर नाटक है तो अनंतानुबंधी का अर्थ है तो अनंत का बंद कराए अब अनंतानुबंधी हमारे जा क्यों नहीं रही है क्योंकि हमने अनंत का बंद किया हुआ है कि अनंत का क्या बंद किया हुआ है हमने कि हमने जब गेहों से सुख माना तो गे तो एक नहीं है गे तो अनंत है गे एक है कि अनंत है गे तो एक नहीं अनंत गेह है अब अनंत गेह है, गे है।, गे है।, गे है इसका इस गे अर्थ है, इस है कि गेह में यदि सुख है तो फिर हम इसी गेह से भी सुख है इसी गेह से भी सुख है इसी गेह में भी सुख है इसी गेह में भी सुख है तो हमने अनंत का सुख भोगना चाह रहे हैं हम अनंत गेयो से तो हमने अनंत से बंद कर लिया इसका नाम है हमने अनंतानुबंधी कर ली गेयो में सुख मानने की कल्पना ही अनंतानुबंधी का बंद कराती है गेहो में सुख मानने की पर सुख मानने की कल्पना लेकिन गेयो में सुख है कहा सुख कैसे हो सकता है मैं विचार करके देखें हम कैसे सुख हो सकता है गेम, लेकिन हम गेम में ही सुख दुख की कल्पना करने में लगे हुए हैं पुण्य पाप की कल्पना करने में लगे हुए हैं पुण्य का उदय होता है पाप का उदय होता है होता है कि नहीं होता पुण्य पाप के उदय अरे वास्तव में जगत में पुण्य पाप है ही नहीं पाप ही है पाप के ही दो नाम है पुण्य और पाप पुण्य नाम की चीज नहीं है अलग से ये तो हमने पढ़ लिया है कर्ण योग में ये तो अज्ञानी को सिखाने की भाषा है कि पुण्य और पाप दो चीज है वास्तव में तो पाप का ही नाम पाप के ही दो नाम है एक पुण्य और एक पाप लेकिन हमको पाप भी अच्छा लगता है पुण्य अच्छा लग रहा है ना हमको और पुण्य क्या है पाप का ही रूप है पाप का रूप है कि नहीं पुण्य के अलग से होता है पुण्य कुछ बताओ पुण्य अलग से है कि पाप का ही रूप है पाप का ही रूप जैसे, है कैसे पुण्य का उदय आएगा तो पाप करेंगे पुण्य का उदय पाप रूप है कि नहीं है पाप करेंगे तो अलग बात है पाप करना तो अलग बात है पुण्य का जो उदय है वो पुण्य का है कि पाप का है विचार करके देखें हमको क्या लग रहा है हमारी जो कर्तव्य हो रही है उसके पुष्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने क्या माना है कि पैसा मिला हमको हमको कोई प्रॉफिट हुआ आज हमारे पास कुछ एक करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारे पास तो हमको क्या लगता है पुण्य का उदय है कि नहीं है जिसको एक करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है अच्छा पुण्य का उदय मेरे पुण्य के उदय से एक करोड़ का प्रॉफिट हुआ है यदि हम ऐसा माने तो परेशानी क्या होगी परेशानी यह होगी कि पुण्य का उदय तो हुआ है मेरी सत्ता में पुण्य का उदय तो मेरी सत्ता में हुआ है तो मेरा परिणमन और पैसे का परिणमन दोनों में क्या संबंध है मैंने दोनों के परिणमन में संबंध जोड़ दिया यदि मैंने ऐसा माना कि पुण्य के उदय से पैसा आया तो पुण्य का उदय ये कर्म का उदय ये ये कर्म का उदय तो मेरे में आया और पैसे का परिणाम अपना चल रहा था तो मैंने अपने परिणाम को और पैसे के परिणाम को जोड़ दिया अब मेरा परिणाम और पैसे का परिणाम एक हो सकता है नहीं नहीं एक हो सकता हम विचार हम विचार करके देखे कि कैसे संभव है मान लो किसी के पुत्र का वियोग हो जाए तो हमको लगता है किसी के तो पाप का उदय है पुत्र का वियोग हो गया और पुत्र का जन्म हो जाए तो पुण्य का उदय देखो पुण्य के उदय तो से पुत्र होता है और पाप के उदय तो से पुत्र का वियोग होता है कि अरे इसका अर्थ तो है कि मेरे पुण्य का उदय समाप्त कर रहा है मेरे पाप का उदय उसकी आयु समाप्त कर रहा तो है मैं मैंने क्या माना यदि मैंने पाप के उदय में पुत्र का वियोग माना तो, तो, तो मैंने पुत्र की आयु का समापन और मेरे पुण्य का उदय एक मान लिया कि मेरे पुण्य पुण्य निपाप का उदय मेरे पाप के उदय से पुत्र की आयु समाप्त हो गई और मेरे पुण्य के उदय से उसका जन्म हो गया मीन्स मैंने उसकी सत्ता समाप्त कर दी उसकी सत्ता समाप्त कर दी वस्तु व्यवस्था को समाप्त कर दिया वस्तु व्यवस्था पूरी समाप्त हो जाएगी ऐसा मानने पर और वैसे भी हम विचार करके देखें हम जिससे पुण्य के कारण हमको लग रहा है ना कि पुण्य के कारण हो रहा है अब पुण्य है पुण्य का उदय तो क्या करेंगे भोगेंगे पुण्य के उदय में भोगते हैं पुण्य का उदय है कहा विचार करके देखो दो व्यक्ति गाड़ी पर जा रहे हैं ठीक है दो व्यक्ति जा रहे हैं गाड़ी पर बिना हेलमेट वगैरह के जा रहे हैं बाइक चला रहे हैं तो पीछे बैठने वाले ने बोला आगे वाले से कि तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूं गाड़ी और पीछे बैठने वाला आगे बैठ गया आगे बैठने वाला पीछे बैठ गया और थोड़ी दूर आगे जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया अब ट्रैफिक पुलिस ने जो आगे बैठा था उसने दस दस डंडे मारे और जो पीछे बैठा था उसने दो डंडे मारे अब बताओ किसका पुण्य का उदय और किसका पाप का उदय बताओ मानेंगे तो यही उसका पुण्य का है ना अरे अब वो पीछे बैठने वाला क्या कह रहा है अरे कितना अच्छा हुआ अभी एक मिनट पहले मैं गाड़ी चला रहा था मानता देखो एक मिनट पहले मैं पीछे बैठ गया अच्छा रानी दस डंडे पड़ते मुझ में ये वो दो डंडे खा के भी खुश हो रहा है मेरे कहने का ये है वो दो डंडे खा कर भी अपने पुण्य का उदय मान रहा है डंडे तो खाए है ना अब दो चार दो खाए चाहे दस खाए वो अलग बात है डंडे तो खाए लेकिन डंडा खाकर भी मार खाकर भी ये मानता है मेरे पुण्य का उदय है तो इसको लगता है अरे ये तो अच्छा हुआ ये तो अच्छा हुआ कि विचार तो करके देखें हम हम किसके भरोसे क्या पाना चाह रहे हैं अब उस जीव को लग रहा है अरे ये अच्छा हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है देखो अच्छा हुआ ये आ गए आगे नहीं तो डर डंडे मुझ में पड़ते ये ऐसा है पाप का उदय पुण्य का उदय कि हम दुखी होकर भी प्रसन्न होते हैं हम दुखी होकर भी क्या होते हैं प्रसन्न होते हैं पाप का है. तो है उसमें तो का उदय है पुण्य का उदय नहीं है उसमें नहीं, मिला उसको। नहीं मिले दौड़ा पाप का उदय भाई तो मैं कह रहा हूँ जगत में है ही क्या इस जगत में पुण्य है ही नहीं वो तो पुण्य मान रहा है ना लेकिन हाँ अभी आपने भी आपकी तरफ से जवाब आए थे कि नहीं उसके पुण्य का उदय तो कहा जाएगा पुण्य का उदय मानेगा वो वो तो मानेगा अरे मैंने किसी जन्म में कुछ पुण्य बांधा होगा जो एक मिनट पहले इस बंदे ने मुझसे बोला भाई मैं चला रहा हूं गाड़ी तुम पीछे बैठ जाओ वो पुण्य का उदय वो पुण्य का उदय मानते हैं उसमें हम हमारी भी तो कंडीशन वही है और विचार करके देखें हम पुण्य पाप किसका नाम है तीव्र कसाय मंद कसाय तीव्र कसाय रूप परिणाम है तो पाप रूप है और मंद कसाय रूप परिणाम है तो पुण्य रूप है और कसाय कसाय कौन सी प्रकृति है कर्म की प्रकृति तो है कौन सी कर्म की प्रकृति है घातिया कर्म की घातिया कर्म की प्रकृति है ना घाती कर्म की प्रकृति है तो घातिया कर्म क्या करता है घात ही करता है घात है. है। ही करता है अब हम हमारा घात हो रहा है तो भी हम क्या मान रहे हैं हमारा घात धीरे हो रहा है हमारा घात कम हो रहा है मंद मंद कसाय में भी क्या हो रहा है घात ही हो रहा है ना हमारा कसाय में भी घात हो रहा है ये तो ऐसा है कि कोई व्यक्ति हमें मारे एक एक तो कोई हमको एक साथ तुरंत झटके में मार दे एक तलवार चलाई और मार दिया और एक हमको बहुत धीरे धीरे प्यार से मार रहा है अब हमको प्यार से मारने वाला क्या लग रहा है ओ, ये अच्छी मिले ये साथ नहीं मार झटका में नहीं मार रहा है हमको अरे घात तो ये भी कह रहा है घात वो भी कर रहा है कैसे कहें हम पुण्य का उदय जो हमारा घात करे जो हमारा घात करे उसको अच्छा कैसे कहे घाती कर, तो कर, 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 hmm. तो तो कर रहा है ना पुण्य भी तो घाती कर रहा है घाती क्रम की प्रकृति है क्रम की प्रकृति नहीं है हम्म विचार करके देखना ये तो वेदनीय 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 के पीछा कह दिया साता साता वास्तव में तो अघात्य क्रम की प्रकृति ही हो रहा है ना तीव्र कैसा मंद कैसा है तो लेकिन हमको पुण्य अच्छा लगता है और पुण्य को अच्छा मानकर हम मानते हैं कि नहीं ये ये तो अच्छा है इसीलिए इसमें मिले हुए संयोग को तो भोगेंगे हम इसमें मिले हुए संयोग को तो भोगना ही है हमको पुण्य के उदय से मिले हमारा पुण्य का उदय उसमें क्या बात है हम देखो हम चाहते तो नहीं है लेकिन हमारा पुण्य का उदय हम क्या करें मैंने एक बार मैं बीच में भी बात कर रहा था बात छोड़ दी वो एक बार और कहा था मैंने कि जो पुण्य पाप का जो उदय हम मानते हैं वास्तव में पुण्य पाप का उदय नहीं है वो अच्छा विचार उद् करके देखो पुण्य पाप का उदय है तीर्थंकर को जो समोषण लगता है तो उनके साथ ही से पुण्य का उदय रहता है साथ में उनका साथ ही से पुण्य रहता है ना वहां पर ही से पुण्य रहता है वहां पर उनका साथ ही से पुण्य के योग में समोषण लगता है बात सही है कि गलत है कि बात तो सही है कि साथ ही से पुण्य के योग में लगता है अब वो लगने के बाद विघटित हो गया डेरी नया नया लग रहा बिकटित हो गया अब लगना पुण्य का उदय है तो विकटित होना पाप का उदय है तो तीर्थंका के पाप का उदय आता है हो जाता है इसलिए विकट हो जाता है हो जाता है हाँ हमें यही कहना चाह रहा हूँ अभी आपने कहा ना पाप के उदय से नहीं होती हमको लग रहा है कि पाप के उदय से घाटा हो गया पाप के उदय से नुकसान हो गया पाप के उदय से नहीं हुआ पुण्य के अनुदय से हुआ है

क्या क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं इस विचार नहीं करते इसका कि अरे संयोग तो दुखदाई ही है उन संयोगों से सुख मिलने वाला नहीं है ना मिला है और ना मिलेगा संयोगों को मैंने वरण किया अनंत बार वियोग के दुख के जहां टूटे सदा पहाड़ ने चय किया अतएव ज्ञान स्वभाव बढ़ूंगा नरभव मिला है मैं अपूर कार्य करूंगा संयोगों को अनंतों वर्ण किया मैंने पहली वर्ण नहीं किया है संयोगों को लेकिन फिर भी हमको अभी भी लग रहा है जैसे वो आता है ना संसार दर्शन का चित्र आता है संता, संसार दर्शन के चित्र में क्या लगता है उसको एक बूंद और एक बूंद और एक बूंद की आस में क्यों लटते हो लाल क्या लाइन आती है उसमें एक बूंद की आस में क्यों लटते हो लाल यम हाथी नीचे खड़ा कुछ लाइन आती है ऐसी विचार करके देखा एक बूंद और एक बूंद और एक बूंद और ले लू बस बस एक बूंद और उसके बाद नहीं एक बूंद और उसके बाद नहीं हम भी ऐसे ही कर रहे हैं बस एक एक भोग और भोग लें एक भोग और भोग लें बस एक भोग एक भोग और भोग लें बस इससे ज्यादा नहीं गुणवद्धाचार्य ने क्या कहा इच्छाओं के निषेध के लिए क्या 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 कहा था वहां पे आत्म अनुशासन में आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिने विश्व मनोपम तस्या ऐसा है हमारा ये आशा रूपी गड्ढा जिसके कारण दुखी तो हो रहे आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिने विश्व मन अनुपम पूरा विश्व समान है टोटा मजीदी ने लिखा ना इसको इच्छा कैसी है मैं सब जान लू सब सूंग लू सबका स्पर्श कर लू सबका स्वाद ले लू मैं सब देख लू सब कुछ कर लू सब करने की इच्छा है इच्छा इसकी इतनी है अब देखो सब करने की इच्छा है ना अनंतानुबंधी ये इच्छा अनंतानुबंधी आ रही है मैं अनंत गेहों को भोग लू मैं अनंत गेहों का स्वाद ले लू मैं अनंत गेहों को सूंघ लू मैं अनंत गेहों को स्पर्श कर लू ये ये अनंतानुबंधी अनंत से बंद करा रही है एक परमय सुख की कल्पना क्या नहीं करा रही हमसे परमय सुख की कल्पना सब कुछ करा रही है और परमय सुख की कल्पना छूटते ही अनंतानुबंधी चली गई hmm. पर को भोग रहा है अभी भी पर को अभी भी भोग रहा है रसगुल्ला अभी भी खा रहा है रसगुल्ला में पहले भी खा रहा था लेकिन पहले रसगुल्ला खा रहा था रसगुल्ले में सुख बुद्धि थी तो अनंतानुबंधी हो रही थी और रसगुल्ला में अभी भी खा रहा हूँ लेकिन रसगुल्ले में सुख बुद्धि चली गई अनंतानुबंधी चली गई इत, बात इतनी सी है यहां कह रहे हैं रस में रसगुल्ले में सुख नहीं है लड्डू में सुख नहीं है पकवानों में सुख नहीं है यहां ये कह रहे हैं पर तो पर है दुखद है पर तो पर ही है और वो दुखद है सुखरूप नहीं है सुखरूप हो भी नहीं सकता लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो हमको मेरा हमको ये शरीर सच्चा लगता है और आत्मा लगता है पता नहीं आत्मा है भी की नहीं है hmm. हमको जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो हमें सच्चा लगता है हमको ये स्वांग सच्चा दिखाई देता है ये स्वांग है ना ये स्वांग सच्चा दिखाई देता है और जो आत्मा है उसकी खबर ही नहीं है इसीलिए हम स्वांग में ही संतुष्ट होकर बैठे हैं स्वांग में ही हमने क्या कल्पना की हुई है हमने स्वांग में ही कल्पना की हुई है कि हाँ ये सुख रूप है बस विचार करके देखें हम कि हमने क्या माना हुआ है और क्या मान के बैठे वो भक्ति आती है बड़े पंडित जी की श्रद्धा ने गायक प्रभु स्वीकारा ज्ञान में गायक समाय रे अनंताबंधी कसाय विनाशी स्वरूपाचरण पैग रे श्रद्धा ने गायक को स्वीकारा और अंतानुबंधी चली गई श्रद्धा ने यह स्वीकार किया मैं गायक हूं बस श्रद्धा ने यह स्वीकार किया अब संयोग आधीन दृष्टि छूट गई अब वो संयोगों में सुख नहीं मान रहा है अब उसको ये नहीं लग रहा है कि यह संयोग मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा क्योंकि अब वो ये जान गया कि सुख का कारण तो कुछ और है कुछ और क्या अपना सिद्धांत तो अपना गायक है उस गायक की स्वीकृति में सब कुछ है इससे कह, इसे, इसे कहते हैं श्रद्धा सुधर गई श्रद्धा ने अपने गायक को स्वीकार किया तो श्रद्धा सुधर गई अब अब कोई चिंता नहीं है हमको ज्ञान में श्रद्धा ने जब गायक को स्वीकार कर लिया श्रद्धा सुधर गई ना इसीलिए सम्यक सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है अब ज्ञान में कुछ भी झलके मुझे कोई परेशानी नहीं है अब वो ज्ञान भी निर्मल हो गया अब वो ज्ञान भी सम्यक हो गया इसलिए दृष्टि का पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा और सम्य दृष्टि का पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा वो रस्सी को सर पे जाने तो भी सम्यक ज्ञान कहा और ये रस्सी को रस्सी जाने तो भी मिथ्या ज्ञान है अधिकार में पंडितोटमी ने एग्जाम्पल लिया है विचार करके देखें हम वो रस्सी को रस्सी जान रहा है तो भी मिथ्या है और वो रस्सी को सर पे जान रहा है तो भी सम्यक है सम्यक है क्या 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 कारण होगा दशा होगी वो कैसी कैसी व्यवस्था होगी कि वो बिल्कुल सही जान रहा है तो कह रहा झूठ जान रहा है और जैसे माता एग्जाम्पल लिया ना वहां पे जैसे कोई शराबी माता को कोई मतवाला माता को माता कहे तो भी मिथ्या है माता को माता कहना मिथ्या है विचार करके देखो ऐसे ही हम आत्मा को आत्मा कह तो रहे हैं लेकिन मिथ्या ज्ञान है हमारा हम आत्मा को आत्मा कह रहे हैं तो मिथ्या ज्ञान है क्यों जैसे वो मतवाला माता का स्वरूप नहीं जानता इसलिए कभी माता को माता कह देता है कभी माता को कुछ और कह देता है ऐसे ही हम कभी हमको लगता है कि आत्मा ऐसा है कभी कहते हैं नहीं आत्मा सुख रूप है कभी हमको घियो में सुख लगता है कभी हमको तो हमें आत्मा का स्वरूप कहा हम भी उस मत वाले की तरह हैं बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, वो है वो उसी चौथे अधिकार में ये मत वाला माता को माता कहे तो भी मिथ्या ज्ञान है ऐसे ही हम आत्मा की बात आत्मा को आत्मा कह रहे हैं तो भी मिथ्या ज्ञान है हमारा क्योंकि हम श्रद्धा ने गायक को स्वीकार नहीं किया क्योंकि आत्मा सुख रूप है ये स्वीकार नहीं किया जो सुख बुद्धि है वो अभी भी पर में लगी हुई है वो सुख बुद्धि अभी भी निज में नहीं आई इसीलिए इसीलिए चिंता होती है विचार करके देखें हम कि हमको क्या लग रहा है हमको लग रहा है कि देखो अब क्या करें हमारे पाप का उदय है अब यहाँ देखो कोई हमारी बात सुनता नहीं है कोई हमारी बात मानता नहीं है सब हमारे प्रतिकूल चलते हैं सब ये चलते हैं सब वो चलते हैं अब हम तो देखो अब हम यहां नहीं रहेंगे कि तुम दुखी किसके कारण हो पहले तो ये ये निश्चय करो दुखी हो किसके कारण दुखी पर के कारण तो नहीं हो तो जब पर के कारण दुखी नहीं है तो पर को छोड़ देने पर सुखी कैसे हो जाएंगे हम इसीलिए बड़े पंडित जी का वाक्य आता है परिस्थिति मत बदलो मन स्थिति बदलो यह जीव पर सुख की इच्छा करके परिस्थिति बदलना चाहता है इसको लगता है कि परिस्थिति में सुख है परिस्थिति चेंज होगी तो सुखी हो जाऊंगा अभी मन स्थिति नहीं बदलना चाहता हाँ और जब तक मन स्थिति नहीं बदलेगी तुम चाहे जहां रहो वहाँ भी सुखी नहीं रह सकते रह सकते सही बात है जब तक मन स्थिति नहीं बदलेंगे हम मन स्थिति तो हमने बदली नहीं है मन में तो अभी भी वही सब है ले हम कह रहे हैं कि परिस्थिति ले तो सुखी हो जाएंगे ये, ये, पर से सुख की इच्छा परिस्थिति को हमने सुख की सुख मान लिया सुख का कारण क्या माना हमने परिस्थिति हमने माना कि नहीं इस परिस्थिति में सुख नहीं है उस परिस्थिति में सुख रहेगा उस परिस्थिति में रहेंगे तो सुखी हो जाएंगे इस परिस्थिति में सुखी नहीं है हम विचार करके देखें देखो इसीलिए हमको हमको प्रतिकूलताएं कैसी लगती है बेकार और अनुकूलता लगती हैं हमको अच्छी हम जब प्रतिकूलताएं आती हैं ना तो हम क्या कहते हैं हम छोड़ के चले जाएंगे अब ये संसार आसार है और ये संसार ऐसा है अब तो मैं कोई दीक्षा लेने का सोचेगा कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ सोचेगा प्रतिकूलता के काल में लेकिन प्रथमान योग उठा के देखो मुझे प्रथमान योग में एक सिंगर उदाहरण बताओ कि प्रतिकूलताओं के डर से किसी ने दीक्षा ली हो और प्रतिकूलताओं में किसी ने किसी ने दीक्षा ली हो वो सीता सीता आप इतनी प्रतिकूलताएं आई राम ने अपहरण कर लिया उसके बाद राम ने जंगल में छोड़ दिया तो उसको विकल्प नहीं आया दीक्षा लेने का तो उसको विकल्प नहीं आया कि अरे संसार तो असारा दीक्षा ले लू मैं तो मुझे क्या करना है चल उसको जन्म दे दिया उसके बाद इच्छा ले लू कब इच्छा ली उसने जब सब कुछ सही हो गया प्रतिकूलता पूरी हट गई और अनुकूलता पूरी सामने है अनुकूलता पूरी सामने है अब प्रजा, प्रजा स्वीकार कर रही है, प्रजा भी माफी मांग रही है सब सब माफी मांग रहे हैं सब स्वीकार कर रहे हैं तब कह रही है अब नहीं अब नहीं रह सकते दीक्षा लेंगे अब हम विचार विचार करके देखो किसी किसी को देखो चेलना को देखो जब बाजार में बिक रही थी उस समय बिकल नहीं आया उसको मैं दीक्षा ले लू विचार करके देखें हम प्रतिकूल प्रतिकूलताओं से भागते हैं ये कायरता है हमारी हम प्रतिकूलताओं से भागते हैं उठा के देखो प्रतिकूलताओं से कोई नहीं भागा चेलना भी जब हो गए, सब कुछ हो गया अरे सब जय जयकार कह रहे हैं कि भावी भगवान का आहार हो गया तुम्हारे निमित्त से चंदन वाला, वाला हाँ चंदन वाला।, वाला चेलना कह रहा हूं मैं चंदन वाला नाम गलत हो गया चंदन वाला अब चंदन वाला बाजार में बिक रही है उस समय उसको विकल्प नहीं आ रहा दीक्षा ले मैं जब पूरा जय जय कार कर रहा है महिमा कर रहा है उसकी उस समय कह रही अब हम संसार में नहीं रहेंगे अब हम दीक्षा लेंगे मैं विचार कर, कर देखो हमने अनुकूलता प्रतिकूलताओं में क्या माना हुआ है मैं उस मान्यता तक पहुंचाना चाह रहा हूं उस मान्यता का पहुंचना चाह रहे हैं हम जो किस मान्यता क्या हमारी मान्यता कहाँ पड़ी हुई है हम प्रतिकूलताओं से भागते हैं ये हमारी कायरता है अरे अनुकूलताओं में संसार आसार लगे अनुकूलताओं में भाव आए इच्छा लेने के या कोई भी भाव धर्म रूप भाव तो हम कहेंगे कि हाँ ये आपका पुरुषार्थ है वो भी व्यवहार है कहेंगे व्यवहार से वो भी तो हम कह सकते हैं पुरुषार्थ है लेकिन प्रतिकूलताओं में ये तो कायरता है ये कायरता है प्रतिकूलताओं में अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना उस समय मैंने चेना का नाम ही लिया था शायद उस समय वाला का ही नाम था पता नहीं वाला का लिया है चेना का लिया उस समय भी खेलना, खेलना का का उस समय उस लिया था मैंने जबकि चंदन वाला का ही था वो कि चंदन वाला बिक रही थी मार्केट में उसको विकल्प नहीं आए कि मेरी बहन महारानी है यहाँ पे विचार विचार करके देखे हम हाँ हम हमारे साथ ऐसे प्रसंग हो तो हमको क्या लगता है हम तो वही देखो पहुंच साथ नहीं दे रहे और देखो वहां तो कोई दुखी जीव कोई हम जैसी मान्यता वाला जीव कोई क्या कहेगा देखो इस नगर में मेरी बहन महारानी है मेरे जीजा इस नगर के राजा हैं तो भी मुझे नहीं बचाया वास्तव में भैया संसार तो आसार है वास्तव में संसार में कोई अपना नहीं है ऐसा सोचा उसने चेलना ने वहां पे अरे नहीं कर्म का उदय आया है तो वो तो भोगना ही पड़ेगा उसको को, उसको कौन बचाए उसको उदय में नहीं सह का निमित्त बने कोई और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। पाप के उदय में सहायता नहीं होती और पुण्य के उदय में कोई दंड नहीं देता तुम्हारा सा प्रतिकूलता है तो तुम्हारे कारण है किसी दूसरे के कारण नहीं है लेकिन हम अपनी परिणति में झांकना नहीं चाहते हैं हम अपने परिणमन को जो विपरीत परिणमन हो रहा है उसको देखना नहीं चाहते हैं बस हमको लग रहा है ये सुखी कह रहा है ये दुखी कह रहा कोई ने किसी ने हमसे दो अपशब्द बोल दिए तो हम दुखी हो गए और किसी ने हमसे दो प्रशंसा के शब्द बोल दिए तो हम सुखी हो गए इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि मेरे सुखी दुखी होने की चाबी दूसरों के पास है जब दूसरे चाहते हैं इसको दुखी कर दें तो चाबी घुमा दी दुखी हो गए दूसरा चाहता चलो इनको सुखी कर दें तो चाबी घुमा दी सुखी हो गए कहीं हमने अपने सुख की चाबी किसी को दी हुई तो नहीं है विचार करके देखो हमको कहाँ कहाँ लग रहा है सुख हमको लग रहा है इस संयोग में सुख है इस इसका अर्थ है कि हमने अपने सुख की चाबी संयोग को दे दी अब वो संयोग जब अच्छा परिणाम करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे जब गलत परिणाम करेगा दुखी हो जाएंगे लेकिन ये 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 स्वीकार नहीं किया कि पर तो पर ही है दुखद ही है सुखरूप नहीं है सुख देने वाला नहीं है सुख की प्राप्ति कराने वाला नहीं है बस चिंता में मरे जा रहे हैं हम किसकी चिंता में अनुकूल अनु, अनुकूलताओं की चिंता में अनुकूलताओं की चिंता होगी तो अच्छा चिंता होगी अनुकूलता होगी तो अच्छा इसलिए हम चिंता किसकी करते हैं अनुकूलता आ जाए अनुकूलता आ जाए अनुकूलता आ जाए विचार करके देखो अनुकूलता भी कैसे आएगी वुut. कोई कहता हमारी कोई मानता नहीं हमारी कोई मानता नहीं हमारी कोई मानता नहीं अब उसके दो उत्तर हैं कोई भाई नहीं मानता एक तो उत्तर आता है तूने भगवान की नहीं तो तेरी कौन मानेगा हम भगवान की मान रहे हैं क्या जब हम नहीं मान रहे किसी की तो कोई हमारी कैसे माने ये व्यवहार का उत्तर और निश्चय का उत्तर कि कौन किसकी मानता है कौन किसकी मानता है किसने किसकी मान ली आज तक किसने मानी किसी की आज तक कोई एक जीव जिसने किसी की मानी हो तो बताओ कि उसने उसकी मान ली किसने किसने किसकी मानी है ये हमको लग रहा है देखो वो मानता नहीं है हमारी हम दुखी हो गए और वो माने लग गए हमारी तो हम सुखी हो गए अब ये या ये तर्क ला सकते हैं कि भाई देखो जो हमारा सुखी नहीं हो जो हमारी नहीं मानता है हमारा उदय चल रहा है पाप का और जो हमारी मानता है सारे तो हमारे अनुसार पढ़ना है तो हमारा पुण्य का उदय उस समय ये विचार करता है ना भाई मैं कह मैं ये तो कह रहा ये मैंने स्टार्टिंग इसलिए पुण्य पाप की बात की हम पुण्य पाप के अनुसार परिणमन करना चाहते हैं हमको लगता है कि पुण्य तो अच्छा है जब वो अनुकूल परिणमन उसने हमारी बात मान ली तो मैंने कल मैंने बात कही थी ना कि वो गाड़ी के साथ साथ चल रहा है कुत्ता तो कुत्ता क्या कह रहा है देखो मे, 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 मैं हूं। मैं चला रहा हूँ ऐसे ही कभी किसी काल में कभी कोई मान ले। मैंने कुछ कहा मैंने किसी से कुछ कहा और उसने वो बात मान ली मुझे क्या लगा कि देखो मेरी बात मान ली इसने अब अहंकार खड़ा हो गया जो को मेरी बात मान ली सही बात लेकिन तेरी मानी कहा उसने मन मानी तेरी मानता है तो हमेशा मानना चाहिए ना उसको हमेशा मानता नहीं है वो तेरी जब वो नहीं मानता उस समय कहता है मैं क्या करूं और मान लेता तो कहता है कि भाई मेरी देखो मेरी मान ली इसने मान लेता तो जाता है हाँ या था ये अब उस समय उसने मेरी बात मान ली तो मैं सुखी हो गया तो मैंने अपने आप को क्या मान लिया सुखी मान लिया और उसने मेरी नहीं मानी तो मैं दुखी मान लिया मैंने अपने आप को मैं विचार करके देखें हम मान रहे हैं क्या हम किसकी मानना है तो कोई हमारी मानेगा हम भगवान की मानना है आज्ञा हम भगवान की सुनते हैं कि नहीं सुनते जिनवाणी सुनते नहीं सुनते हम जिनमानी सुन रहे की नहीं सुन रहे हम बताओ तुम तो, तो है अरे, अरे जब जब अपने गायक की श्रद्धा हमको नहीं हम कैसे कहें सुनने? ये सुनने तो ऐसा है ये सुनना तो ऐसा है जैसे मान लो समय तो हो गया वैसे उदाहरण दे के बात करते हैं बस जैसे मान लो पिता ने पुत्र को आवाज दी घर पे थे दोनों पिता ने कहा बेटा एक गिलास पानी लेके आना तो वो पांच मिनट हो गए नहीं लेके आया पिता ने दोबारा कहा बेटा एक गिलास पानी लेके आना फिर नहीं सुना उसने पास में बैठा था तीसरी बार बोला बेटा एक गिलास पानी ले आना नहीं सुनिए अब पिता उससे बोला बेहरा है क्या सुनता नहीं है क्या अरे सुन रहा हूँ पापा आपने तीन बार बोला है तीनों बार बराबर सुना है मैंने मैंने तीनों बार बराबर सुना है आपने तीनों बार ये बोला है एक गिलास पानी लेके आ एक गिलास पानी लेके आ एक गिलास पानी लेके आ अब मेरा प्रश्न है आपसे उसने सुनाया कि नहीं सुनाया सुनते हुए भी नहीं सुना ये, ये 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 हमारे साथ हो रहा है हमको लग रहा है हम सुनने हैं हमको लग रहा है सुन सुनने हैं हम देखो ती, तीन बार आवाज दी तीन बार सुन इसको सुनना भी नहीं कहते इसको सुनना भी नहीं कहते इसको मानना भी नहीं कहते ना सुनी है और ना मानी है ये हमारे साथ हो रहा है हमको हम 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 संतुष्ट हो रहे हैं सुना तो है मेरे कान बिल्कुल सही है उसके कान खराब है क्या कान बिल्कुल सही है उसके कान सुन भी रहा है बराबर सुन रहा है एक भी गति नहीं कि उसने तीन बार बोला तीन ही बार सुनाया उसने एक ही बार गति नहीं कि उसने एक ही बार नहीं सुना हो एक बार तो उसने कहीं भूल गया हो कहीं रह सुना ना हो तीनों बार सुना है उसने लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनाया उसने वहां पर ऐसी कहीं हम तो नहीं कह रहे हम जिनवाणी सुन तो रहे हैं हम दर्शन कर तो रहे हैं हम देख तो रहे हैं हम तो डेरी डेरी दर्शन कर रहे हैं हम तो डेरी सुन रहे हैं हम तो डेरी पढ़ रहे हैं कि जैसे सुनने पे लगाया वैसे पढ़ने ये पे, देखने पे सब पे लगा के देखना कि हम हम क्या कह रहे हैं यहां तो आचार्य पूज्य पाठ कह रहे हैं पर तो दुख रूप ही है सुख रूप हो नहीं सकता उसमें सुख की कल्पना ही मिथ्यात्व की जनक है उसमें सुख की कल्पना ही अनंतानुबंदी करा रही है उसमें सुख की कल्पना ही हमको दुखी कर रही है सुख की कल्पना दुखी कर रही है हमको दुखी मैं हूं नहीं मैं तो सुख का भंडार हूं लेकिन वो मुझे दुखी कर रही है सुख की कल्पना ऐसे ही मुझे मुझे लग रहा है मेरे ज्ञान में ये ज्ञान आने चाहिए इनको जान लो इनको जान लो इसको जान लो ये अच्छा है. और इसको नहीं जानना मुझे ये तो बेकार है ये बारा गे नहीं जानना मुझे मैंने पहले भी एक दिन कहा था यदि हमको ऐसा लग रहा है इसको जान लो इसको नहीं जान तो हम ज्ञान आवरण का बंद कर रहे हैं क्योंकि हम, हम जानना नहीं चाहते हम जानना नहीं चाहते हम जानना बंद करना चाह रहे हैं हमको लग रहा है जानू नहीं जानू नहीं जानू नहीं जानू नहीं जानू नहीं तो ऐसा करने पर महा पहुंच जाओगे ना जहां तुम अंश मात्र सा भी अंश मात्र भी नहीं जान अंश मात्र सा जान पाओगे और तुम्हें कोई नहीं जानेगा और ना तुम किसी को जान पाओगे उस निगोद में और वहां चले जाओगे ऐसा कहते कहते उसको नहीं जाने उसको नहीं जाने अरे जानने की मना कहाँ है मैंने भी कहा ना श्रद्धा ने ज्ञायक प्रभु को स्वीकार किया अब ज्ञान में जो जानने में आए कोई परेशानी नहीं है हमको वो पूरा ज्ञान सम्यक है हमको लग रहा है कि हम जानेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे कि हमने हमने क्या सोचा जानेंगे हम तो दुखी हो जाएंगे हमने ये जान लिया दुखी हो जाएंगे अरे वो ये जिसको तुमने जाना है वो है क्या पेरा ये तो उन्होंने करो जिसको हमने जाना है वो गे है और हमको लग रहा है दुखी हो जाएंगे इसका अर्थ है कि हमने गेहों से दुखी की दुख होने की कल्पना कर ली ये वाला गे जानेंगे तो अच्छी बात अच्छी बात है ये वाला <glowingables> गे जानेंगे तो बेकार बात है ये वाला गे सुखी करेगा ये वाला गे दुखी तो 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 करेगा तो मेरी कर <कारें> मान्यता कहाँ है पूरी पर में सुख की और यहां कह रहे हैं पर में सुख है नहीं पर तो पर ही है दुख रूप ही है इसीलिए उसको दुख रूप जानकर और अपने को सुख रूप जानकर उस श्रद्धा में गायक प्रभु को स्वीकार करके हम भी परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को हुआ। या तो संदीप जी हाँ मतलब यहाँ तो ये बात है अज्ञान को जानना भी सम्यक ज्ञान है ना हाँ अज्ञान को जानना भी सम्यक ज्ञान है सम्यक ज्ञानी के लिए तो हाँ हाँ मतलब कुछ भी चाहे भला में जाने या कुछ कुछ भी जाने बुरा जाने कुछ भी वो तो सब में ज्ञान है अरे आप आप बताओ मुझे केवली भगवान है वो अपने अनंत हाँ। भवों की अनंत भवों की क्या क्या चीजें नहीं देख रहे अपनी तो छोड़ो सबकी हाँ सही हर बात है जो बुरे से बुरा परिणाम कर रहा है द्रव्य जो मांस खा रहा है उसको नहीं देख रहे वो देख रहे हैं वो किसी करते हुए नहीं जान रहे वो किसी को क्या नहीं जान रहे जो बुरे से बुरे कार्य का आप नाम ले सकते हो क्या वो नहीं जान रहे तो उनका ज्ञान क्या हो रहा है क्या या वो वो रहे हैं नहीं सही बात जब बो, बो जब बुरे से बुरा देख ना क्या नहीं देख रहे हैं वो अरे बाहर का छोड़ो चलो अपना तो देख रहे हैं कि देखो मेरे इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसने तो ऐसा किया था इसने मेरी माता को दुख दिया था इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसने वो किया था कहाँ दुखी हो रहे हैं वो सही बात ये कल्पना हमने की हुई है कि कुछ गे अच्छे हैं है हम यहां कहना चाह रहे हैं। पर तो पर ही है अच्छा गे हो चाहे बेकार गे हो यदि हम गे में कल्पना करेंगे गे को जानने जाएंगे गे के आधार से सुख दुख मानेंगे तो दुखी ही रहेंगे सुखी होने वाले नहीं है क्योंकि सुख में तो एकमात्र आत्मा ही है ये यहाँ आचार्य पास से हम कहना चाह रहे हैं पैतालीस नंबर की गाथा में इसकी कल और चर्चा करेंगे या सोचा था पूरी हो जाएगी गाथा कल इसकी चर्चा करके कोशिश करेंगे कल इसको पूरा करने की विचार स्तुति करते हैं तो निज निधि निज मैं बताई ये पे कार उसके लिए मानी माँ को बंदे न सत्य बारे है बंदे न सत्य बारे है